हेलो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है जिसके कि जिसे कि आदमी की मौत का कोई अफसोस ना हो। जैसे जानवर को वो लोग मार के खाते हैं, वैसे ही आदमी को भी मारने का तकलीफ देने का आदत आदमी का धीरे धीरे होते जा रहा है। ऐसे ही एक घटना सामने आया है जिसपे कि एक लेडीज़ को उसका हस्बैंड 1.5 साल तक 3x3 का लेटरिन रूम में कैद करके रखता है। उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है कि लोग उसे देखते ही पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये तो भला हो उस पड़ोसी का जिसने गोपनीय तरीके से पुलिस को सूचना दी और कहा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे घटना हुआ है जिसके कारण से पुलिस आई और उसे अरेस्ट करके ले गई। उसमें भी पति को जब पूछा गया कि आप इसे बंधक बनाकर क्यों रखे हैं, तो कहा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन जब पुलिस उससे बात करती है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके हस्बैंड से पूछा जाता है कि अच्छा एक बात और बताइए, अगर उसका मानसिक संतुलन खराब है ये बात आपको कैसे पता चला, आप उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए। तो वो कहता है कि डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, बस हमें पता है कि इसका मानसिक संतुलन खराब है और लेडीज़ की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि अगर उसका वजन 45 किलो 50 किलो का होगा तो वो मुश्किल से 15 से 20 किलो की बची है। ना उसके पास उठने का ताकत बचा है, ना उठ के कुछ करने का ताकत बचा है। जैसे उसे पुलिस ने रेस्क्यू किया, सबसे पहले वो वही बात कहती है कि मुझे कुछ खाने को, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही दर्दनीय घटना है। जैसे मैंने इस वीडियो को देखा मैं अंदर से हिल गया और सोचा कि कम से कम ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने अपने पहचान के हैं उनके पास तो इस वीडियो को, आस पड़ोस में कहीं होता है तो आप डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अगर आप कहेंगे तो हो सकता है वो आपसे लड़ाई करे झगड़ा करे, लेकिन गोपनीय तरीके से पुलिस को सूचना तो दे ही सकते हैं। हम दूसरे के घरों से बेटी को लाए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर अत्याचार करें, आप उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित करें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे डायरेक्ट डाइवोर्स दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसे 1.5 साल तक 2 साल तक 3x3 के छोटे से लेटरिन रूम में बंद करके रखें, ये अच्छी बात नहीं।